ये जो आप लाइव वीडियोस देख रहे हैं, ये इस समय जीवल चौक के लाइव वीडियोस हैं। और यहाँ पर ना दो बैग्स मिले हैं, दोनों अननोन बैग्स हैं, जो बिल्कुल सेंट पीटर स्कूल के सामने ये दो बैग मिले हैं। पुलिस को कुछ एक डेढ़ घंटे पहले किस तरह की खबर आई थी और इस तरह के दो लावारिस बैग मिले थे, जिसके बाद से पुलिस ने यहाँ पर जो है स्पेशल टीम्स को बुलाया है, जिसके अंदर बॉम्ब स्क्वाड टीम्स भी हैं, ताकि इसको चेक किया जाए इन बैग्स में है क्या। और फिलहाल अभी चेकिंग चल रही है और इसके साथ साथ जो पूरा रास्ता है उसको जो है यहाँ पर ब्लॉक किया हुआ है। और जो यहाँ पर आने वाले लोग भी हैं, मैं उनको बोलूँगा कि जो जीवल चौक वाला इलाका है, इस इलाके को आप जो है डायवर्जन दी गई है, जो कि एरिया सेंट पीटर स्कूल की तरफ जाता है, उस तरफ का रास्ता कोई ना ले, क्योंकि अभी फ़िलहाल पुलिस द्वारा इस पूरे रास्ते को जो है रोका गया है, क्योंकि चेकिंग की जा रही है आखिरकार इस बैग के अंदर है क्या। और पूरा चेक किया जाएगा कि आखिरकार ये बैग में क्या है, क्या क्या मटेरियल इसके अंदर है, क्या चीज़ें इस बैग के अंदर हैं। लेकिन बड़ी चीज़ ये है कि अभी कुछ देर पहले की ही बात है जब ये अननोन बैग यहाँ मिलते हैं, और इस अननोन बैग के अंदर क्या क्या मटेरियल है इसके बाद बारे में कुछ नहीं पता है। हाँ, कुछ बैग अभी खोला गया है और खोलने के बाद जो है इसमें चेकिंग की जा रही है कि आखिरकार क्या क्या चीज़ है। और स्पेशल टीम्स भी यहाँ पहुँची हुई है, पुलिस की टीम भी यहाँ पहुँची हुई है। और ये जीवल इलाका है, जीवल इलाके का जो सेंट पीटर स्कूल के बाहर का एरिया है, जहाँ पर ये दो बैग मिले हैं, ये लवारिस बैग मिले हैं, कुछ ही देर पहले बैग मिले हैं। और वहाँ पर जो है अभी देखा जा रहा है कि आखिरकार इन बैग्स में क्या है। टीम्स यहाँ पहुँची हुई हैं जो चेक कर रही हैं कि आखिरकार इन बैग्स में क्या है, और पूरी तरह से चेकिंग की जा रही है इस बैग्स की कि आखिरकार इन बैग्स में है क्या। ये जो आप पूरे विजुअल्स देख रहे हैं, ये विजुअल जो हैं ये जीवल चौक के हैं, जीवल जो सेंट पीटर स्कूल के बाहर के हैं, और ये लाइव विजुअल्स आपके सामने हैं। और मैं आपको बता दूं कि ये अभी अभी की खबर है और पुलिस टीम्स यहाँ पहुँची हुई हैं, पुलिस टीम्स पूरा एरिए को जो है पूरा भी खाली किया हुआ है इस एरिए को, और पूरा इस चीज़ का ध्यान रखा जा रहा है कि आखिरकार कोई भी शख्स जो है इस इलाके में जो है मूवमेंट ना करे, इसीलिए पुलिस ने जो है ये पूरा रोड जो है फ़िलहाल बंद किया हुआ है। मैं भी लोगों से अपील करूँगा कि इस रोड को जो है ना यूज़ करें, जाने की नहीं इजाज़त है किसी तरह की भी, और इस ट्रैक को पूरा बंद किया हुआ है, इस रोड को बंद किया हुआ है। और मैं आपको बता दूं कि अब फ़िलहाल पूरा चेक कर लिया गया है और शायद क्लियरेंस दे दी गई है, और क्लियरेंस दे दी है, और जो बैग्स थे उसके बीच में शायद कुछ नहीं मिला है, इस वजह से अब जो है पूरी क्लियरेंस दे दी गई है। और अब रास्ता खोल भी दिया गया है, जो पुलिस टीम्स यहाँ पहुँची हुई थी वो यहाँ पर ही है और हर चीज़ का ध्यान रखे हुए हैं कि आखिरकार इन बैग्स में क्या था। और पूरी तरह से इस ऐसा लग रहा है कि शायद बैग्स में कुछ नहीं है और आम सामान है, जिसको चेक किया गया, और चेक करने के बाद जो है फ़िलहाल अब रास्ता जो है खोल दिया गया है। ये वो बैग्स हैं जो यहाँ पर मिले हैं, और मैं आपको बता दूँ कि ये दोनों बैग्स यहाँ पर पड़े हुए थे जो है लावारिस बैग्स थे यहाँ पर, और फ़िलहाल इनमें कुछ ऐसी बात नहीं मिली है। ये आप विजुअल्स देख रहे हैं, अभी ये सामान इसके अंदर से मिला है इन बैग्स में। टीम्स यहाँ पहुँची हुई थी, खुद यहाँ पर पुलिस की टीम्स आई हुई हैं, SHO खुद यहाँ पहुँचे हुए थे, और जो मौके पर SHO यहाँ पर पहुँचे हुए थे, पूरी टीम्स यहाँ पर आई हुई थी, और हर चीज़ देखी गई है कि आखिरकार क्या क्या सामान था इसके अंदर। ये सामान निकला है क्योंकि लावारिस दो बैग थे, तो इस चीज़ का खास ध्यान रखा जा रहा था कि आखिरकार क्या क्या सामान हो सकता है यहाँ पर। आप देख सकते हैं पहले रोड भी सारी बंद कर दी गई हुई थी, खुद यहाँ पर जो है यहाँ पर मौके पर SHO पहुँचे हुए हैं, और हर चीज़ को ध्यान में रखते हुए इस चीज़ का ध्यान रखे हुए हैं। ये दो बैग्स हैं, और ये एक इसके अंदर भी कुछ ऐसा नहीं है, कपड़े ही हैं, और बाकी यहाँ पर काफ़ी लोग जो हैं इकट्ठे हुए हुए थे और इस चीज़ का ध्यान रखे हुए थे। SHO खुद यहाँ पर नवाबाद पहुँचे हुए थे और उन्होंने पूरा सारा काम देखते हुए ये दोनों बैग्स जो हैं फ़िलहाल अब पुलिस ने अपने पास ले लिए हैं, और अब इस चीज़ का ध्यान दिया जाएगा कि आखिरकार किसके बैग्स हैं। ये पूरे विजुअल्स आपके सामने जो हैं ये आप देख रहे हैं, ये विजुअल्स जीवल के हैं, जीवल इलाके के हैं, जहाँ पर ये दो बैग्स मिले थे, और दोनों बैग्स में से जो है सिर्फ सामान मिला है। और
और दो बैग्स थे यहाँ पर जो लावारिस बैग मिले थे, और उसके बाद जो है यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा लोग इकट्ठे हो गए थे। आखिरकार देखा जा रहा था कि क्या क्या सामान हो सकता है यहाँ पर। फ़िलहाल उनमें से कुछ सामान तो नहीं मिला है, लेकिन उनमें जो आम सामान होता है, कपड़े वगैरह थे, जिससे लग रहा है कि कोई फैमिली के बैग होंगे दोनों जो यहाँ पर छूट गए हैं। लेकिन इलाका अगर बस स्टैंड का देखा जाए, और बड़ा क्रूशियल एरिया है, जीवल चौक सामने है, एक तरफ जो है सेंट पीटर स्कूल है, इसलिए हर चीज़ को बड़ा शक की निगाह से देखना पड़ता है। और पुलिस की टीम्स यहाँ आई हुई थी, प्रॉपर स्पेशल टीम्स यहाँ पहुँची थी, जिन्होंने उन बैग्स को चेक किया उसके अंदर क्या है, और उसके बाद ही अब रोड को जो है क्लियर कर दिया गया है। बैग के अंदर सिर्फ सामान निकला है, कपड़े निकले और कुछ और सामान है, बच्चों की चीज़ें हैं। लेकिन अभी कुछ देर पहले यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा जो है रोड वगैरह बंद कर दिया गया था, और चेक किया जा रहा था कि इन बैग्स में है क्या। ये विजुअल्स आप देख रहे हैं जम्मू के जीवल चौक इलाके से, जहां पर ये दो अननोन बैग मिले थे। पुलिस ने अब फिलहाल उन दोनों बैग्स को जो अपनी हिरासत में ले लिया है, और अब इनका जिनके भी होंगे उनको दिए जाएंगे, लेकिन उनसे ये ज़रूर पूछा जाएगा कि यहां पर बैग छोड़ के चले गए या क्या पूरा मामला हुआ है। ये वीडियो आप देख रहे हैं जीवल इलाके से, आशीष कोहली, कैमरामैन अशोक चल्होत्रा जी के साथ, जेके मीडिया के लिए धन्यवाद। जय हिंद।